हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये खूबसूरत सा फूल देख रहे हैं, ये एमरिलिस का फूल है। एमरिलिस लिली लिली की फैमिली का एक खूबसूरत फूल है। लिली की फैमिली उतनी ही बड़ी है जितनी कि जैस्मिन की फैमिली। इसमें ढेर सारे फूल होते हैं, लिलियम से लेकर रेन लिली और एमरिलिस लिली तक। इसके अलावा फुटबॉल लिली और भी बहुत सारे लिली इस फैमिली के खूबसूरत और बेहतरीन सदस्य हैं। इनमें खुशबू तो नहीं होती, लेकिन इनकी सुंदरता अपने आप में बेजोड़ होती है। ये मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, जड़ी बूटी के रूप में भी इनके बहुत अच्छे यूजेज हैं और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये एक फूल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये खिल चुका है और ये छोटा सा फूल अभी खिलने की तैयारी में है। अधखिला हुआ ये फूल भी इस खिले हुए फूल से कम खूबसूरत नहीं लग रहा है। ये बल्ब से ग्रो होने वाला पौधा है, बहुत लोग इसे सीड से भी ग्रो करते हैं, मगर इसकी बात करें तो मैंने इसे बल्ब से ग्रो किया है। आगे मैं बताऊंगा कि आपको इसका ख्याल कैसे रखना है और इस इजी टू मेंटेन प्लांट में ढेरों फूल आपको कैसे पाने हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन से आप न चूकें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें दो फूल तो ऑलरेडी खिले हुए हैं, इसके अलावा ये ऊपर इसमें और भी कली लगी हुई है, इसके अलावा नीचे भी कलियां निकल रही हैं। तो अभी ये फ़िलहाल एक डेढ़ महीने तक लगातार ब्लूम करेगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये जो एमरिलिस लिली का पौधा है, ये फ्लावर कब देता है। कुछ लोगों को लगता है कि गर्मियों में फूल देता है, तो कुछ को ये लगता है कि ये ठंड का फूल है। लेकिन असल बात ये है कि ये दो बार फ्लावर करता है, साल भर में दो बार इसमें फूल आते हैं। पहला जब ठंड खत्म होता है और गर्मियां शुरू हो रही होती हैं, जैसे कि अभी अप्रैल है और अप्रैल में इसमें फूल खिले हुए हैं। दूसरा जब गर्मी खत्म होती है और ठंड शुरू होता है, यानी कि जब टेम्परेचर बीच का हो जाता है, लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास का, तब इसमें फ्लावर आता है। और जब तक टेम्परेचर 43 से 45 डिग्री तक रहता है, तब तक इसमें फ्लावर भी बना रहता है। उसके बाद ये डंडी अपने आप ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर ये पौधा डोरमेंट हो जाता है। तो बहुत आसान है इसको मेंटेन करना, और इसे आप लगा के, ये इतना इजी टू मेंटेन है कि इसे आप लगा के भूल सकते हैं कि आपने लगाया। बस इसको थोड़ा बहुत पानी मिलता रहे तो ये मेंटेन रहेगा। इसकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। पहली चीज़ ये है कि इसे धूप जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है और बहुत कम भी नहीं चाहिए होता है। सुबह से 3-4 घंटे की धूप इसे मिल जाए तो इसके लिए बहुत एनफ है। किसी भी ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ इसको 3-4 घंटे की धूप मिले। इसके अलावा आप इसे किसी पॉट में लगा सकते हैं। पॉट में अगर आप लगा रहे हैं तो पॉट का साइज़ थोड़ा बड़ा लें। जैसे कि आप 6 से 8 इंच के पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो नहीं करेगा, तो आप मिनिमम 12 इंच का पॉट चूज़ करें। 12 इंच का पॉट इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और उस पॉट में ह्यूमिडिटी बनाए रखें, उसकी मिट्टी में थोड़ी नमी होनी चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, इसकी मिट्टी में नमी बरकरार है, तो ऐसे आपको नमी मेंटेन रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको आपको धूप जो है वो 3 से 4 घंटे की इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन इन 3-4 घंटे की जो ये धूप है, ये दोपहर की धूप नहीं होनी चाहिए, ये सुबह की धूप होनी चाहिए या शाम की धूप होनी चाहिए। ये सुबह की धूप मिले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोपहर की धूप हार्श होती है, उससे इसे जलने का चांस होता है। इसके अलावा ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि इसमें किसी फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको इसे बूस्टअप करने के लिए एक फर्टिलाइज़र आपको स्प्रे करना है, वो भी आपको मंथ में एक बार देना है, है ना। एकदम बिल्कुल झंझट फ्री प्लांट ये। तो उस फर्टिलाइज़र का नाम मैं बताता हूँ आपको, उसका नाम है ट्राइकॉन्टेनॉल। मेरे पास ये लोकल का बना हुआ ट्राइकॉन्टेनॉल है, लेकिन आप मार्केट से मीराकुलान ले सकते हैं, वो भी लगभग इसी रेट में आपको मिल जाएगा। मेरे यहाँ ये लोकली अवेलेबल है और मैं प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की मुहिम को सपोर्ट करने के लिए फ़िलहाल मैंने इसे लिया है, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करूँ। आप भी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रांड पे जाना है या फिर आपका भरोसा नहीं हो रहा है आपके लोकल प्रोडक्ट्स पे, तो आप मीराकुलान ले सकते हैं।
ये 100 ml मुझे 76 के आसपास का मिला, ये 76 लिखा है, 70 रुपये का मुझे मिला है। और इसे आपको 1 ml पर लीटर पानी में डाल करके अपने प्लांट पे स्प्रे करना है, या आपको महीने में एक बार करना है। इसके अलावा इसे और किसी फर्टिलाइजर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कुछ नहीं देंगे तो भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बस आपको इसे ये देना है, इससे ये होगा कि इसमें जो इसके अंदर एक ये बूस्ट करेगा इस चीज़ को कि इसे फ्लावर प्रोड्यूस करना है, और ये जल्दी फ्लावर लेके आएगा और ढेरों फ्लावर लेके आएगा, फ्लावर देर तक टिके रहेंगे। तो दोस्तों ये बहुत आसान सा फर्टिलाइज़र है, इसे आप यूज़ कीजिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।